पोटावद में 185 मां नर्मदा परिक्रमा वासियों का सम्मान समारोह एवं कलश यात्रा का आयोजन 27 दिसंबर को धार जिले के ग्राम मोटावद में 185 मां परिक्रमा वासियों का सम्मान समारोह एवं कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। इस महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन एवं सानिध्य में प्राप्त होगा। गरिमामयी कार्यक्रम की बेला में देश और प्रदेश की कई विशिष्ट राजनीतिक हस्तियां और प्रख्यात संतों का आगमन होने जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 मंगलवार को सुबह 11 बजे से ओटावद में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता भी भाग लेंगे। धार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी समंदर सिंह पटेल ने बताया कि पूर्णतः यह धार्मिक आयोजन मां नर्मदा मैया की कृपा से भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करते हुए पटेल ने बताया है कि धार जिले के लिए यह अनूठा धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक गेंदालाल बमनका ने भी कार्यक्रम के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम का संचालन राजेश शर्मा द्वारा किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक दीपक शर्मा, धर्मेंद्र जोशी, प्रेस क्लब सचिव अशोक शास्त्री, हरिराम पाटीदार, मनीष महाजन, नारायण भिड़े, लालू यादव, सुरेश परमार, गोपाल बिल्लोरे जी सहित पत्रकार गण उपस्थित रहे। धार से दिनेश मीनारा की रिपोर्ट। मां नर्मदा परिक्रमा वासियों का स्वागत समारोह 27 दिसंबर प्रातः 11 बजे रखा गया। उसमें उत्तम स्वामी जी के द्वारा प्रवचन और गौ पूजा और कन्या पूजा भी रहेगी। उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तो मैंने पूर्व में आप लोगों के बीच रखी है। कार्यक्रम धार्मिक, कुल मिला के धार्मिक आयोजन है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। और उसमें मां नर्मदा धार की धरा पर, धार की पावन नगरी और आसपास के क्षेत्र में मां नर्मदा का यहाँ आना और उसके बीच में नर्मदा जी का जल हमको, हमें धार और धार के क्षेत्र में मिले, ये उसमें हमारा कोशिश और प्रयत्न रहेगा। जय मां नर्मदा।